हेलो, नमस्कार दोस्तों। 31 मार्च 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो एक आर्टिकल है, सबसे पहले वो है फ्लड प्लेन के बारे में। तो इस आर्टिकल के बारे में हम अच्छे से डिस्कस वो करने वाले हैं कि इस आर्टिकल में एक्चुअली क्या क्या जो पॉइंट्स हैं वो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो, फ्लड प्लेन होता क्या है, इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से वैसे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये कोई रिवर है, अब रिवर के जो आसपास का जो एरिया होता है ना, जिनमें एक्चुअली बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, नदी जब उफान भी होती है तो उस टाइम पे उस वाले एरिया में पानी हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्लड प्लेन। मतलब बांध के जो नदी के पास वाला एरिया होता है, जहाँ पे एक्चुअली पानी आ जाता है, तेज बहाव होता है, उस कंडीशन में यहाँ पे पानी फैल जाता है, उसको बोलते हैं फ्लड, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। तो इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं फ्लड प्लेन वाला एरिया। तो इस प्लेन के एरिया की बात की गई है कि जो नदी के आसपास वाला एरिया होता है, जहाँ पे नदी में ज़्यादा पानी होने की कंडीशन में पानी फैल जाता है, उस प्लेन एरिया का एक्चुअली कंजर्वेशन पे इस आर्टिकल में फोकस किया गया है। देखो, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई नदी आ रही है, नदी के आसपास वाले एरिया में बाढ़ वगैरह आती है, तो इस वाले एरिया की क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखो, ये जो नदी के आसपास वाला एरिया होता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इस वाले एरिया में अगर बाढ़ आती है ना, तो काफ़ी हेल्पफुल भी होती है। अब हेल्पफुल किस तरीके से होती है वो आपको बताता हूँ। देखो, अगर नदी है, नदी के आसपास वाले एरिया में, मतलब यहाँ पे पानी वानी फैल रहा है, तो इसका फायदा क्या होगा कि यहाँ से ग्राउंड वाटर रिचार्ज की जो प्रोसेस है ना, वो बढ़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर सरफेस पे पानी रहेगा, इस वाले एरिया में पानी फैलेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो जमीन का पानी है उसका स्तर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पानी धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते जमीन से ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, और हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो उसका स्तर है वो बढ़ेगा। तो इसलिए ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आर्टिकल में ये बताया गया है कि भाई देखो, आजकल सीन क्या हो रहा है कि नदी है ना, उसके आसपास का जो फ्लड प्लेन वाला एरिया है ना, कि जिसमें बाढ़ आती है, ये वाला एरिया लगातार कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? इस वाले एरिया में या तो इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, या फिर इस वाले एरिया में कोई प्रोजेक्ट हो लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट हो रहे हैं। तो मतलब बात क्या है कि नदी के आसपास वाले एरिया की जो मात्रा है ना, कि जहाँ पे फ्लड आती है, बाढ़ आती है, वो वाला एरिया लगातार कम हो रहा है। और अगर आप ये चीज़ जानते हो कि अगर यहाँ पे बाढ़ कम है या इस वाले एरिया में पानी नहीं पहुँचेगा, तो मतलब क्या होगा कि नीचे ग्राउंड वाटर है वो एक्चुअली रिचार्ज नहीं हो पाएगा। मतलब जमीन में पानी रिस के नीचे नहीं जाएगा, वो जो जमीन का पानी है वो रिचार्ज नहीं हो पाएगा। अब आप एक चीज़ तो खुद भी जानते हो कि आज के टाइम पे पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, पानी की डिमांड है वो भी बढ़ रही है ऑब्वियसली, तो लोग ग्राउंड वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ है वो करने की कोशिश करें, लोग ग्राउंड वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है और किया भी जा रहा है इवन। अब आप एक चीज़ देखिए कि ग्राउंड वाटर को ज़्यादा तो बाहर निकाला जा रहा है, जबकि उसे रिचार्ज किया नहीं जा रहा है, तो इस कंडीशन में होगा क्या, धीरे धीरे ऑब्वियसली पानी खत्म हो जाएगा। पानी खत्म होगा तो हमें सूखे की प्रॉब्लम से झेलना पड़ेगा, और लोग यहाँ से धीरे धीरे मूव करेंगे, मतलब काफ़ी सारी समस्याएं आएंगी, गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारी देश के लिए भी अच्छा नहीं, हमारे देश के लिए बात नहीं, ह्यूमन नेचर के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है वो, क्योंकि इससे ह्यूमन को ही नुकसान होने वाला है ऑल ओवर। तो इस चीज़ पे राइटर यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि देखो, जो नदी के आसपास वाला जो एरिया होता है ना, जिसपे फ्लड आती है, जो फ्लड प्लेन होते हैं, इस वाले एरिया का कंजर्वेशन जरूरी है, और ये वाटर रिचार्ज के लिए बहुत अहम होता है, तो गवर्नमेंट को इसके कंजर्वेशन में फोकस करना चाहिए, क्योंकि इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, और जिससे हमारे देश में या बाकी और भी एरिया में पानी की जो समस्या है उससे काफ़ी निजात है वो मिलेगी। तो आज के टाइम पर हमें जो न्यूयर के आसपास का जो एरिया है, इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और गवर्नमेंट को इस वाले एरिया के लिए जो भी किसान या फार्मर्स हैं उनको थोड़ा बहुत पैसा वगैरह देना चाहिए, ताकि वो इस वाले एरिया को खाली रहने दें, और यहाँ पर बाढ़ वगैरह आए तो उससे ग्राउंड वाटर वो रिचार्ज हो सके, क्योंकि ये आज के टाइम पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए काफ़ी अहम हो गया है। वैसे भी बारिश काफ़ी इनरेगुलर होती है, तो इसलिए गवर्नमेंट को कुछ स्कीम वगैरह चलानी चाहिए, और लोगों को भी इस चीज़ के बारे में अवेयर है वो करना काफ़ी जरूरी हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आर्टिकल में बताए गए हैं। आपको मेन मेन जो पॉइंट्स थे, मैंने अच्छे से जो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। इसके बाद में देखो, बात ये आती है कि हमारे देश में हिमालयन रिवर और जो पेनिनसुलर रिवर है उनके बारे में डिस्कस किया गया है। देखो, जो हिमालयन रिवर है वो आपको पता है कि एनी टाइम उनमें पानी होता है, क्योंकि वो एक्चुअली ग्लेशियर से या हिमालय से पानी नदियाँ बह निकलती हैं। अब उन नदियों में पानी हमेशा रहेगा, तो ऑब्वियसली उसके आसपास वाले एरिया में ग्राउंड वाटर रिचार्ज वो ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी की मात्रा जब एनी टाइम रहेगी तो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर ज़्यादा रहेगा। तो उन यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि नॉर्दर्न इंडिया वाला एरिया जिसमें हिमालयन रिवर बहती है, उस वाले एरिया में पानी की मात्रा में कोई इशू नहीं है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज इजीली हो जाता है। जबकि पेनिनसुलर रिवर है या जो प्रायद्वीप भारत की नदी है ना, वहाँ पे दिक्कत क्या है कि वहाँ पे सभी नदियाँ 12 महीने पानी नहीं होता, वो केवल वर्षा के टाइम पे पानी लेके आती हैं, और इसलिए उस वाले एरिया में पानी का जो रिचार्ज प्रोसेस है वो काफ़ी धीरे होती है। अब आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ये बताना है कि ऐसी कौन सी रिवर है सदर्न इंडिया की जिसमें एक्चुअली 12 महीने सारी साल भर पानी वो रहता है, मतलब वो रिवर है जो दोनों से पानी उसको मिलता रहता है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि इंडिया की साउदर्न जो एक ऐसी रिवर है जिसमें एनी टाइम पानी है वो रहता है, मतलब एवरग्रीन रिवर है वो, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ बताना है।
प्रोप्राइटरी बता रहे हैं कि जब नॉर्दर्न एमएस जो सॉरी नॉर्दर्न इंडिया की जो रिवर है, जो एवरग्रीन रिवर है, वो एक्चुअली अगर पानी का ज़्यादा वहाँ पे पानी अगर ज़्यादा अवेलेबल है तो उसमें कंडीशन में ग्राउंड वाटर रिचार्ज इजीली होगा और किसानों को भी फायदा होगा उस चीज़ से। और इससे एक फायदा होगा कि जो आसपास के एरिया में क्या है कि जो ग्राउंड वाटर यूज़ करने के लिए ज़्यादा गहरा ट्यूबवेल वगैरह भी नहीं खोदना मतलब खोदना पड़ता, क्योंकि ऑब्वियसली पानी है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। जबकि पेनिनसुला वाले एरिया में क्या है कि पानी की थोड़ी दिक्कत है, वो धीरे धीरे बढ़ती है, वो जा रही है। ये राइटर के द्वारा यहाँ पे पॉइंट्स वो बताए जा रहे हैं। इसके बाद में देखो राइटर एक चीज और उठा रहे हैं कि भाई देखो फ्लड प्लेन का जो एरिया है वो तो खत्म होता ही जा रहा है, इसके साथ एक समस्या और आ रही है। वो कौन सी समस्या आ रही है कि ग्राउंड वाटर का तो तेजी से खत्म मतलब खत्म होता जा रही है, इसके साथ पोल्यूशन भी बढ़ रहा है कि जो नदियों का पानी है वो इतना पोल्यूटेड हो गया है कि उससे एक्चुअली वाटर रिचार्ज होना काफी मुश्किल हो गया। और जो वाटर रिचार्ज भी होता है वो कहीं ना कहीं पोल्यूटेड होता है, क्योंकि उसमें आर्सेनिक और सल्फर जैसी काफी खतरनाक टॉक्सिक एसिड्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ के लिए या फिर एनिमल्स फेस वगैरह के लिए भी काफी खतरनाक है वो होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाता है कि यमुना रिवर का। आप देख सकते हो कि यमुना रिवर है वो एक तरीके से नाले की तरह बन चुकी है, इतना उसका पोल्यूटेड पानी हो गया है। तो आज के टाइम पे वो रिवर वो इतनी गंदी हो चुकी है, तो उससे अगर पानी का रिचार्ज भी हो गया तो वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए नुकसान वो पहुंचाने वाला है। तो हमें वाटर कंजर्वेशन के साथ रिवर्स का जो एरिया उसको भी हमें क्लीन रखना होगा, ताकि जो रिवर्स हैं वो एनी टाइम ढंग से फ्लो करती रहे और जो ग्राउंड वाटर है वो ढंग से रिचार्ज वगैरह होता रहे। तो ये इस आर्टिकल के कंप्लीट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है वो आता है हमारा, वो आता है सोशल मीडिया और डेमोक्रेसी के बारे में। देखो राइटर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया ना आज के टाइम पे डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, वो खतरा बनती जा रही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई सोशल मीडिया वो तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी का सपोर्ट करती है, क्योंकि सोशल मीडिया तो काम ही होता है कि जनता की आवाज़ को ऊपर उठाना। बट राइटर ये कह रहे हैं कि देखो आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया है ना वो एक्चुअली आज अपना रोल है वो दूसरे तरीके से निभा रही है। देखो सीन यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है मेनली, वो डिस्कस किया जा रहा है स्टेट और सिटीजन के बाद। पहले क्या होता था, सोशल मीडिया होती थी ना वो स्टेट और स्टेट मतलब राज्य और जनता के बीच में एक तरीके से क्या है कि मीडियम का काम करती थी। मीडियम का काम किस तरीके से कि ये सिटीजन का सपोर्ट करती थी कि अच्छा भाई सिटीजन को ये राइट नहीं मिल रहा है क्योंकि स्टेट एक तरीके से दबा रही है, मतलब स्टेट के सेंट्रल सॉरी जो सोशल मीडिया थी वो एक्चुअली सिटीजन के फेवर में रहती थी और इनकी सारी मांगें वो ऊपर उठाती थी और स्टेट को अपनी बातें मनवाने के लिए मजबूर करती थी। बट राइटर आज ये कह रहे हैं कि आज जो सोशल मीडिया ना वो एक्चुअली स्टेट के साथ मिलकर काम कर रही है और कहीं ना कहीं स्टेट को और ज़्यादा पावरफुल बना रही है। अब आप जानते होगा अगर स्टेट ज़्यादा पावरफुल बनेगा मतलब क्या होगा कि लोगों के फंडामेंटल राइट हैं उनका उल्लंघन होगा। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि बार बार जैसे स्टेट की बार क्या हवाला देते हैं कि भाई आतंकवाद का आतंकवादियों का इशू हो रहा है इसलिए हम लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, इसलिए हम लोगों के घरों की जांच वगैरह हमें करनी पड़ती है। बट राइटर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बहाना है किसी एक आड़ का लेके स्टेट के द्वारा जो अपने को पावरफुल बनाने का तरीका है सोशल मीडिया के थ्रू, वो कहीं ना कहीं हमारे देश की डेमोक्रेसी इवन ऑल वर्ल्ड की डेमोक्रेसी के लिए खतरा वो बनती जा रही है। और आज के टाइम पे हो क्या रहा है, जो पॉलिटिकल लीडर है ना वो अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं, क्योंकि देखो स्टेट है वो क्या होता है, स्टेट में ऑब्वियसली पॉलिटिकल लीडर्स ही होते हैं, तो मतलब पॉलिटिकल लीडर है उनकी पावर अपने आप बढ़ती जा रही है। और आज के टाइम पे जो स्टेट है ना वो एक्चुअली कॉमन मैन है ना उसकी एक्चुअली फॉलोइंग को बढ़ा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कॉमन मैन की फॉलोइंग को किस तरीके से बढ़ा रहा है आज के टाइम पे। केवल जैसे आप इंडिया में एग्जांपल देख सकते हो कि बीजेपी एंटी बीजेपी का माहौल है, तो एक तरीके से उस चीज पे फोकस किया जा रहा है, डेवलपमेंट का मुद्दा ही नहीं आता है, बस बीजेपी और एंटी बीजेपी का माहौल है। एग्जाम्पल यहाँ पे एक आर्टिकल में यूएसए का दिया गया है कि एग्जाम यूएसए के अंदर एक्चुअली जैसे ट्रंप चुन के आए, वो ऑब्वियसली ट्रंप का चुनना आप सब लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से ट्रंप वो इलेक्शन देते थे, अदरवाइज ट्रंप वहाँ पे इलेक्शन नहीं जीत पाते थे। तो मतलब सोशल मीडिया वो लोगों को मैनिपुलेट करती है आज के टाइम पे, और जो डेमोक्रेसी है उसमें कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बाधा डालती जा रही है। अब देखो यहाँ पे बात बताई जा रही है कि एक तरीके से आज सोशल मीडिया ना वो आजकल हाइपोथेटिकल रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट है वो कर रही है। यूएसए के अंदर फेसबुक का किस तरीके का नजरिया था और मेनली जो ट्रंप वहां से वहां जीते थे वो एक्चुअली सोशल मीडिया की वजह से ही जीते थे, सोशल मीडिया ने कैंपेन इस तरीके से लाए थे। तो राइटर ये कह रहे हैं कि इस तरीके अभी रिसेंटली हमने देखा भी था कि इंडिया में जो फेसबुक है उसने किस तरीके से अपने डाटा वगैरह को लीक किया था। तो अगर इस तरीके का डाटा लीक होता और उसका कहीं ना कहीं जो फेसबुक है वो पॉलिटिकल पार्टियों को इधर से उधर मूव करने में काफी यूज हो कर सकते हैं, मतलब हमारे देश की डेमोक्रेसी को नुकसान है वो पहुंचा सकती है। राइटर बता रहे हैं कि आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया के एडवांटेज है ना उसकी वजह डिसएडवांटेज ज्यादा बढ़ रहे हैं, लोगों को मैनिपुलेट करने की प्रोसीजर वो लगातार बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट किया जाता है, जो रियल मुद्दे होते हैं ना उनको तो कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। देखो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप अगर सोशल मीडिया पे कुछ भी देखते हो तो उस चीज़ को आप पहले वेरीफाई करिए, उसके बाद में उस चीज़ को आगे कंटिन्यू वो रखिएगा, क्योंकि आज के टाइम पे जो फेक न्यूज़ है वो भी सोशल मीडिया पे लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों को की बात धर्म और जातियों के नाम पर डिवाइड किया जाता है, तो वो भी कहने की हमारी सोसाइटी के लिए और हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज़ें वो नहीं है। तो ये राइटर के द्वारा यहाँ पे कंप्लीट पॉइंट दिए जाते हैं जो हम एग्जाम वगैरह में यूज़ है वो कर सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में, NMC, और आज के टाइम पर जो डॉक्टर्स की हालत है उसके बारे में। देखो बात ऐसी है,
अभी गवर्नमेंट है लास्ट डे वो आई थी नेशनल मेडिकल कमीशन के लिए बिल लेके आई थी जो कि अभी तक पेंडिंग है, वो भी एक्चुअली पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके पास भेजा गया है ताकि उस पर रिव्यू वगैरह किया जा सके और उसमें जो भी कमी है ना उनको दूर किया जा सके। नेशनल मेडिकल जो कमीशन है इससे पहले हमारे देश में जो बॉडी काम कर रही है उसका नाम है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बट आरोप ये लगाया कि भाई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ना वो काफी करप्ट हो गई है और भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गई है हमारे देश में। और जो मेडिकल कॉलेज होते हैं ना प्राइवेट को इनको मतलब थोड़े बहुत पैसे लेके क्या करती है उनको लाइसेंस वगैरह दे देती है जिससे जो प्राइवेट एजुकेशन है वहाँ पे क्वालिटी वो नहीं मिल पा रही। कई बार तो वहाँ पे लैब वगैरह नहीं होती है मेडिकल कॉलेजों में, तो ऐसे माहौल में अगर वहाँ पे लैब्स वगैरह नहीं होंगे प्रॉपर रिसर्च वगैरह नहीं होगी तो ऑब्वियसली डॉक्टर की क्वालिटी है उसके साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। और अगर ऐसे टूटे फूटे डॉक्टर बनेंगे तो वो हमारे देश की हेल्थ का क्या खाक ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए नेशनल जो मेडिकल कमीशन है उसको बनाने की बात है ताकि जो कमियाँ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में ना उन कमियों को दूर किया जा सके और एक तरीके से जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही MBBS जो मेडिकल की डिग्री होती है उस डिग्री में भी कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह की यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखो जो पार्टी जो नेशनल मेडिकल कमीशन था ना इसका जो बिल था वो भी पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी के पास है, तो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने अपनी रिकमेंडेशन या सुझाव वगैरह दिए हैं। तो उन सुझावों में एक्चुअली नया प्रावधान ये है कि देखो अगर डॉक्टर्स की हमारे देश में सप्लाई या डॉक्टर्स की डिमांड को अगर हमें कंट्रोल करना है तो अब ये काम इस रिकमेंडेशन में कहा गया कि भाई स्टेट है ना जो स्टेट अगर स्टेट चाहेगा तो आयुष के जो भी डॉक्टर होते हैं ना इन डॉक्टरों को एक्चुअली थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह देके और उनको जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं वो एक्चुअली वो अलाउ कर देगा कि ताकि वो अंग्रेजी दवाइयाँ भी लिख सकते हैं। अदरवाइज जो आयुष के डॉक्टर होते हैं वो केवल जो नॉर्मल आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक जो दवाइयाँ होती हैं वही दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है सबसे बड़ा जो एक मुद्दा था अभी जो रिकमेंडेशन में आया था सबसे पहले वो आया था कि भाई डॉक्टर्स की जो क्वालिटी है ना इसको सिक्योर करने के लिए लास्ट में जो फाइनल एग्जाम हो गया MBBS की तो बाद में एग्जिट टेस्ट किया जाएगा। अगर एग्जिट टेस्ट जिसने भी पास नहीं किया तो वो आगे एक तरीके से जो भी प्रैक्टिस वगैरह वो नहीं कर पाएगा। बट इस चीज़ का काफ़ी विरोध किया था स्टूडेंट की जो यूनियन वगैरह भी MBBS का जो डिपार्टमेंट वगैरह है उन्होंने, क्योंकि इस पे तर्क दिया जा रहा था कि भाई एक तो पहले से इतनी एग्जाम होते हैं उसके बाद अलग से हम एग्जाम देंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट काम हो जाती है। बट देखो राइट जो बिल में एक्चुअली प्रावधान था वो इस तरीके से किया गया था कि कई जो प्राइवेट कॉलेज होती है ना वो एक्चुअली काफ़ी धांधलेबाजी करके क्या है बच्चों को ऐसी सीटें वगैरह दे देती हैं, तो अगर ऑब्वियसली वहाँ पे टैलेंटेड बच्चे नहीं आएंगे तो वो टैलेंटेड जो MBBS के डॉक्टर वो पास नहीं होंगे, तो ऐसे माहौल में अगर वो डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या हेल्थ का वगैरह का ध्यान वो नहीं रख पाएंगे, इसलिए एग्जिट टेस्ट की बात आई थी। बट अभी इसमें संशोधन करके ये प्रावधान किया गया कि भाई स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन एक तो वो इंक्रीज कर दिया गया है। इसके साथ ये कह दिया गया है कि भाई जो एग्जिट टेस्ट है ना उसको हटा दिया गया। इसके सिस्टम ये कर दिया गया है कि जो भी MBBS की जो फाइनल एग्जाम होती है ना उस फाइनल एग्जाम को ही एग्जिट टेस्ट के तौर पे यूज है वो किया जाएगा ताकि जो क्वालिटी है वो भी सिक्योर है वो की जा सके। और ये जो फाइनल एग्जाम है एक साथ होगा इससे जो भी हमारे देश में MBBS की क्वालिटी है उसको सिक्योर किया जा सके। इसके साथ ही ये कह दिया गया है कि भाई जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है ना इनकी 50% जो सीटें हैं ना वो तो गवर्नमेंट की रेट के अकॉर्डिंग फीस होगी उसके अकॉर्डिंग भरी जाएंगी, बाकी जो 50% सीटें हैं वो प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं वो अपने अकॉर्डिंग फीस के अनुसार सीटें वो भर सकते हैं। बट इसका भी विरोध किया जा रहा है रिसेंटली वापस कि भाई जो 50% सीटें जो प्राइवेट कॉलेज वाले अपने आप खुद भरेंगे ना तो हाई डोनेशन लेंगे और वो इतनी महंगी सीटें कर देंगे कि जैसे गरीब आदमी वो डॉक्टर बन ही नहीं पाएगा, तो फिर ऑब्वियसली वो बात है कि अमीर लोग ही डॉक्टर बन पाएंगे तो कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो इसलिए इस चीज़ का भी विरोध है वो किया जा रहा है। तो देखो और भी इसमें काफ़ी चेंजेस होने चाहिए, लास्ट में कंक्लूजन में यही कहा जा रहा है कि भाई इस पर डिबेट और अच्छे से होनी चाहिए क्योंकि जितनी ज़्यादा डिबेट होगी उतनी ही क्वालिटी है और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि डिबेट होगी तो जो जो कमियां वो सामने आएंगी फिर उनके रिकमेंडेशन आएंगी और उनमें जो जो चैलेंजेस हैं उनको फोकस किया जाएगा और फिर वापस उनको अपडेट किया जाएगा। तो ये बिल और भी अच्छा बनेगा और अभी काफ़ी अच्छा टाइम है इसके लिए कि इस बिल पर और ज़्यादा डिबेट होनी चाहिए और ज़्यादा पारदर्शिता वो आनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट डिस्कशन, फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।